चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आदरणीय सोमपाल शास्त्री जी, आदरणीय शाहिद सिद्दीकी जी, राजेंद्र शर्मा जी हमारे इस मंच पे विराजमान, सभी पूर्व विधायकगण, नेतागण, और इस कार्यक्रम में जुटे सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सब यहां आए आशीर्वाद पथ के कार्यक्रम में मैं आपके बीच आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। आगे की लड़ाई हम सबको मिलकर ही लड़नी पड़ेगी। राह आसान नहीं है, कांटे भी लगेंगे, ठोकर भी लगेगी, लेकिन जैसे एक परिवार में सब लोग मिलकर जो परिस्थिति हो उससे निपटते हैं, देखते हैं, जूझते हैं, उसी तरह हम और आप चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, चौधरी अजीत सिंह जी के वो काम जो अधूरे रह गए उन्हें पूरा करने के हमें आपको एक राह पर चलना है। छपरौली में हमने एक आयोजन हुआ, समाज के लोगों ने किया, बहुत लोग वहां मुझसे मिल पाए, बहुत लोग नहीं मिल पाए, दूर से दूसरे राज्यों से वहां लोग आए, पगड़ी भी भेंट करना चाहते थे लेकिन वहां कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई। इसलिए मैंने सोचा कि ये चौधरी अजीत सिंह जी की भी कर्मस्थली रही है। मैं जानता हूं कि आपके मन में, हृदय में जो भाव है उनके लिए, उनके अंतिम दर्शन भी आप नहीं कर पाए, और पिछले चुनाव को लेकर भी कुछ मलाल होगा, इसलिए हमने तय किया कि यहाँ मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम जरूर रखा जाए और आपके बीच आकर मैं मानता हूं कि हम सबको ऊर्जा मिली। ये पल, ये क्षण हमेशा मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से और मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में प्रेरणादायक रहेंगे। मैं धन्यवाद तो नहीं कह सकता क्योंकि आप घर के मेरे अपने बड़े हैं, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ के, नतमस्तक होके आपकी शरण में आया हूं। ये जो घड़ी है, हम और आपको गहरी चोटें लगी, आघात हुआ है, आपके ऊपर कष्ट लगातार बढ़े जा रहे हैं। जो अगली पीढ़ी है, जो गांव में हमारे होनहार बालक नौजवान, मेरी बहने, जो कुछ भी उन्होंने सपने देखे अपने जीवन के लिए, उन्हें हासिल करना भी उनके लिए दुर्लभ होता जा रहा है, अंधकार है। और शायद कभी हमने और आपने ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि हमारे और आपके मत से जो सरकारें बनेंगी वो इस कदर आपके प्रति अनदेखी करेंगी, और अनदेखी ही नहीं, आप पे वार करेंगे। लखीमपुर के उस घटना का प्रभाव पूरे देश में है। जो किसान वहां उन परिवारों के बीच नहीं पहुंच सकते, वे भी अपने घर में बैठे बैठे, वह जो आंसू रो रहे हैं, वह उस परिवार के दर्द है। ये नाम आपको याद रखने हैं। ये सरकार चाहेगी, पूरी कोशिश करेगी कि लोग भूल जाए बातों को, लेकिन हमें वे नाम याद रखने हैं लखीमपुर के उन किसानों के। मैं लवप्रीत के घर पे उनके घर वालों का दर्शन मैं कर पाया,
18 साल का नौजवान था, कोई दोष नहीं उसमें। आपके लिए कुर्बानी दी लवप्रीत ने, दिलजीत, नछत्तर सिंह जिनके बेटे आर्मी में हैं, और उनकी एक बात मैंने अखबार में पढ़ी, घर वाले बता रहे थे अपने बेटे को, कहा करते थे बेटा तू देश की लड़ाई वहां लड़ रहा है और मैं किसानी करके देश की लड़ाई यहां लड़ रहा हूं। ऐसे थे नछत्तर सिंह। गुरविंदर सिंह जिनके घर के लोग मानते हैं कि उन्हें गोली लगाई गई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसका खुलासा नहीं हुआ। और रमन कश्यप जो पत्रकार, ये नाम आपको याद रखने हैं। हर 5 साल में वोट का मौका होता है, मुद्दे बदल जाते हैं, कुछ मुद्दे वही रहते हैं। इस चुनावी समर में जब लोग आपके पास आएंगे, जो लोग आज मुंह पे ताला लगाए बैठे हैं, दुबक्के छुप रहे हैं, वो सोच रहे ये माहौल बदल जाएगा, लोग भूल जाएंगे। ये जो नाम मैंने आपको बताए, नाम उनके आगे आपको लेने पड़ेंगे हर गांव में, और उनको पूछना होगा तुम कहां थे। वैसे मुझे कहने तो नहीं चाहिए, लेकिन उस शब्द का प्रयोग मैं कर लेता हूं, बदला लेना होगा आपको बदला। मुझसे पहले सोमपाल जी ने चौधरी साहब की आपको यादें दिलाई, वे बात हमें याद रखनी चाहिए। कैसे कैसे करके चौधरी साहब की जो इच्छा थी कि गांव में पल रहे लोगों का अस्तित्व हो, देश की मुख्यधारा में वो आए, किस तरह आपने उनके साथ वो यात्रा तय की और बड़े मुकाम तक उनको पहुंचाने में आपका हाथ था। मैं आपसे कहता हूं कि वो ताकत आपकी, आप भी भूल गए, हम भी भूल गए, देश का किसान भूल बैठा। अब वक्त आ गया हम फिर याद कर लें। आज जो सरकारें हैं जो किसान का शोषण कर रही, मोदी जी कहते आय दुगनी हो गई, तो 2-2.5 महीने बचे हैं, आय किसी की दुगनी हुई क्या? आंकड़े भी आपके बीच रखे गए, आधी हो गई आय तो आधी होगी। कोरोना काल में सारे छोटे बड़े काम धंधे व्यापार ठप हो गए, जो लोग छोटे छोटे कारखाने कुटीर उद्योग चलाते थे बंद करना पड़ा, जिनको शहरों में नौकरियां मिल रही थी उनको घर लौटना पड़ा, यहां तक कि मजदूरों को भी कई 100 किलोमीटर किस तरह से भाग भाग के छोड़ के उनको आना पड़ा। आपने अपने चौधरी अजीत सिंह जी को भी उन दिनों में खो दिया। घर घर में, घर घर में वेदना है, कष्ट है, हम कैसे उन बातों को भुला देंगे? लेकिन उन्हीं दिनों में जहां आपकी पीड़ा बढ़ी, कुछ लोग मौज कर रहे थे। एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है फोर्ब्स, वो हर साल सूची निकालती है कि दुनिया में सबसे अमीर लोग कौन है। अभी उन्होंने सूची निकाली है कि देश के जो 100 सबसे अमीर लोग हैं, ये कोरोना काल में जहां सबकी आय घट गई, अंधकार में देश को धकेल दिया गया, इस कोरोना काल में उन 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति दुगनी हो गई, उनकी आय दुगनी हो गई। और अदानी जी की तो विशेष मौज है, अदानी जी खूब मौज ले रहे, सबसे ज्यादा तरक्की कोरोना के उस समय में अदानी जी ने करी। मैं नहीं जानता यहां अखबार में बात छपी कि नहीं छपी, छपी है, पढ़ी है,
उसको सोचो क्या हो रहा है। ये लूट है, खुली लूट। इनका रिमोट कंट्रोल है, मोदी जी की सरकार का रिमोट कंट्रोल चंद पूंजीपतियों के हाथ में है। और पूंजीपति कहे नाच तो पूरी सरकार नाचने को तैयार है। एक तो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है और यूपी में नो कंट्रोल वाली सरकार है। कोई कंट्रोल ही नहीं, बेकाबू। बाबा कब क्या कह दे को कुछ नहीं पता किसी को। उनका बयान मैंने पढ़ा, और संसदीय भाषा, सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए उन्होंने कहा जो नौकरी की दलाली कर रहे हैं उनके छाती पे बुलडोजर चढ़ा दो। मैं तो आपको कह रहा हूं योगी जी, बुलडोजर चढ़ाने का शौक है ना। अनिल मिश्रा आपके मंत्री है, गृह मंत्री, हमारे आपके नजर में क्या है? वो हत्यारे। जोर से बोलो क्या है। मैं तो एक और बात बोल रहा हूं, इन्होंने 302 धारा लगाई, 120 बी की धारा लगाई कि षड्यंत्र में शामिल थे मंत्री पे, वो लगाई 120 बी। और एक और धारा है, कानून है UAPA, हाथरस की घटना। हाथरस के बाद अभी जानकारी मिली जो कुछ पत्रकार वहां पहुंचे थे, 6-8 पत्रकारों को बंद कर दिया, उन पे UAPA की धारा लगा दी। 6 महीने हो चुके हैं बंद है वो, और उनको आज तक चार्जशीट भी नहीं मालूम। उन्हें मालूम नहीं कि हमारे खिलाफ मुकदमा क्या है। ये हालात हैं। किसी के खिलाफ भी UAPA लगा देती है सरकार। अगर आप किसान की बात करोगे तो UAPA लग जाएगी आप, गुंडा एक्ट, NSA, आपके घर में बुलडोजर चढ़ा दिया जाएगा। और यहां पीछे से गाड़ी चलाकर किसानों को जो रोन देते हैं, हमारी और आपकी नजर में वो क्या है? आतंकवादी। जोर से बोलो आतंकवादी। हमारे यहां कोई तालिबानी नहीं आने वाला। ये है नए अंग्रेज, काले अंग्रेज, ये है हमारे लिए आतंकवादी। मैं तो मांग करता हूं योगी जी, अगर दम है तो, अगर हिम्मत है तो, अगर खून गर्म है तो ये करके दिखाओ कि अपने मंत्री के घर पे बुलडोजर चलाओ और UAPA की आतंकवादी जो धारा है कानून है सख्त वो लगाओ। पुलिस को लताड़ घूम रहा हूं, लेकिन वो हमारे ही हैं जवान, उनकी गलती नहीं, वो तो ऊपर से उनके हाथ बांधे गए। 5 दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई बच्चे की इसकी। मंत्री का लड़का घर में ही बैठा था, तो बक्के मंत्री खुद कह रहे हैं कि तो घर में बैठा था, बाहर जाके नोटिस चिपका रहे हैं कि पूछताछ के लिए आ जाओ भैया। कभी आपने ऐसा होता देखा है? किसान की तो हालत ये, अपने खेत से मिट्टी लेके जाएगा तो आपके पीछे पुलिस लग जाती है, जैसे बहुत बड़ी चोरी कर दी हो आप। और इनके यहां घर पे नोटिस लगा जा रहा है, अभी 5 दिन में भी गिरफ्तार नहीं हो पाया। सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, उसके बाद जो है उसको बुलाया गया, तब भी उठा के पुलिस नहीं ले गई। वो खुद पहुंचे हैं वहां से और गर्म चाय पिलाई जा रही है उनको, मिठाई खिलाई जा रही है, किस बात की? तो ये सरकार की सोच यहां से पता लगती है, यहां से इनकी कॉल खुल जाती है। बातें बड़ी मीठी मीठी करेंगे, गन्ने के विषय को लेकर प्रधानमंत्री जी ने बहुत मीठी बात करी, यहां गन्ने की फसल बहुत बढ़िया है, पैदावार बढ़िया है, और यहां की अब 2 मिल बची हैं, पिछले सत्र का भी अब 300 करोड़ से ज्यादा बकाया है। लेकिन जब भी बाबा का बयान सुनो कहो कि हमने गन्ने में तो किसानों के लिए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया? इतनी कंजूस सरकार, रोज 7 दिन हो गए, 7 दिन से रोज
डीजल और पेट्रोल का भाव रोज 30-35 पैसे बढ़ रहा है और 5 साल में गन्ने पे प्रति किलो 35 पैसे बढ़ाए इन्होंने, 35 पैसे बढ़ाए, 35 रुपया भी ना बोलो इसको, 35 पैसे बढ़ाए 5 साल में। रोज आप से ले रहे उतना, रोज उतना ही उससे ज्यादा वसूल रहे रोज, इतनी कंजूस सरकार। मेरा तो मानना है गन्ने में इनकी सोच कुछ और है। ये अगर आप चूक गए हम और आप, अगर हमने एक करारी हार नहीं दी उत्तर प्रदेश की जनता ने, तो ये जो कानून में 14 दिन का प्रावधान है, जिस तरह मंडी के कानून की धज्जियां उड़ा दी, कृषि कानून लिया है रात के अंधेरे में, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं 14 दिन का कानून में प्रावधान भी हटाने जा रहे हैं। ये कह चाहते हैं कि गन्ने के किसान को एक मुश्त पैसा ना मिले, हम किस्तों में दे दें। यही सिफारिश नीति आयोग ने और CACP ने सरकार दे चुकी है सरकार को ऑलरेडी। और सोमपाल जी ने जो बात बताई 1978 का कानून था जिसके तहत सरकार पे अधिकार था किसी मिल को वो अक्वायर कर सकती, मोदी जी ने वो कानून भी रद्द कर दिया, कचरे के ढेर में डाल दिया कानून के, कानून की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि जो डिफॉल्टर मिल है उत्तर प्रदेश की, सब लोग जानते हैं, किसान भी जानते हैं, वे भी जानते हैं कौन हमारी सरकार आएगी। सबसे पहले तो जांच पड़ताल होगी, फॉरेंसिक ऑडिट के माध्यम से हम जांच करेंगे किसने पैसे खाए, पैसे निकाल लेते हैं पूंजीपति मौज कर रहे, डेढ़ डेढ़ दो दो साल से किसान का भुगतान नहीं हो रहा, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। आप अन्नदाता के साथ चोरी कर रहे हो। मेरा मानना है कि गन्ने का भाव भी ऐसा हो कि लागत का कम से कम 1.5 गुना भाव लाभकारी मूल्य गन्ने का घोषित होना चाहिए। आप हिसाब लगा लो, लागत का 1.5 गुना मूल्य घोषित किया क्या भाजपा ने, बताओ। मैं एक और योजना की बात आपके बीच रखना चाहता हूं। 31 तारीख को सरदार पटेल जयंती पे हम अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, लेकिन उसमें एक पहलू है। नूरपुर की मंडिया से मैंने घोषणा की कि ये जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना में 6,000 रुपए देते हैं, हम सभी किसानों को राज्य सरकार 12,000 रुपए करेगी इसको, और जो सीमांत असिंचित जमीन में जो खेती कर रहे हैं उनको 15,000 रुपए सालाना। आज मैं आपके बीच एक नई बात रखना चाहता हूं। आज महान विचारक स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। 1950 में क्योंकि जयप्रकाश गांधीयन फिलोसफी को मानते थे और विनोबा भावे से प्रभावित थे, चौधरी साहब भी बहुत पक्के गांधीवादी थे, 1950 में जयप्रकाश नारायण ने अपना विजन पेश किया और उसे उन्होंने कहा सर्वोदय प्लान। क्या कहा? सर्वोदय प्लान। हमारी सरकार आएगी, मैं बताना चाहूंगा कि सर्वोदय प्लान का मतलब क्या है। पहले तो ये समझाऊं क्योंकि कुछ लोग जानते हैं जो इतिहास के जानकार है, कुछ लोग नहीं जानते। सर्वोदय योजना, सर्वोदय का मतलब सबका विकास, ये मोदी वाले लकड़ी वाला नहीं है। 5 मुख्य स्तंभ है उसके। एक तो मानवतावादी सोच को बढ़ावा देना, दूसरा हर एक व्यक्ति इंसान को जो उसकी संभावनाएं हैं जीवन की उसे वो आजादी देना कि वो पूरा कर पाए, यानी मानव संसाधन का विकास, उसमें कोई बाधा कोई अड़चन ना हो, दूसरी बात। तीसरी बात, जाति के बंधन से छुटकारा देना समाज। चौथी, राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। पांचवी, अमीर और गरीब का फासला समाप्त, समाज में आर्थिक असमानताओं से छुटकारा दिलाया जाए। ये 5 मुख्य स्तंभ हैं जयप्रकाश नारायण जी द्वारा
जो उन्होंने पेश किया 1950 में सर्वोदया के नाम से। मैं आज आपके बीच ऐलान करना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो उन्हीं के स्मृति में सर्वोदय योजना के तहत इन पांचों बिंदुओं पे हम आकर्षक योजना बनाएंगे। पहली योजना, आपको पता है कि चौधरी अजीत सिंह जी ने बहुत सख्त दंगा रोधक कानून बनाया था, वह कानून नहीं बन पाया, वरना जो दुर्गति यहां हुई, जो माहौल आज बनाया जाता है कि 1947 में जिस वर्ग ने फैसला किया कि ये मेरी माटी है, ये मेरी धरती है, आज हर मोड़ पर उनसे पूछा जाता है कि साबित करो अपनी देशभक्ति, प्रमाण दो हमें। इस माहौल को कभी हम खड़ा नहीं होने देंगे। हमारी सरकार आएगी तो सभी वर्ग के लोग, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, उनको सुरक्षा की पूर्ण गारंटी राष्ट्रीय लोकदल की सरकार दिलाएगी। दूसरा पहलू था मानव विकास, मानव संसाधन का विकास कैसे होगा, बेहतर शिक्षा देके होगा, बेहतर तालीम देके होगा, और कोई रास्ता नहीं है, शिक्षा का स्तर बेहतर करना है। और उसके अंतर्गत हमारी योजना क्या है, हमारी योजना यह है कि जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं 500, कुछ हमारे देश में IIT हैं, IIMs हैं, कुछ दुनिया में हैं, जहां भी हो अगर कोई SC ST या पिछड़े वर्ग से बच्चे को वहां एडमिशन मिल जाती है तो उसका खर्चा हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार उठाने का काम करे। तीसरा पहलू राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण कैसे होगा। भारत के संविधान में 73वां संशोधन, जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों को कुछ ताकत दिए गए, आजाद भारत में अभी भी वो चीज लागू नहीं है। मैंने हमारे इस प्रदेश के 59,000 प्रधानों को चिट्ठी लिखी है और उनके सुझाव मांगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि सर्वोदय योजना के अंतर्गत पंचायती राज को जो भी वित्तीय अधिकार हमारे संविधान के तहत मिलने चाहिए हमारी सरकार देगी, और कानूनी जो एक दुर्लभ हो गया न्याय हासिल करना, यहां का आदमी जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। बात समझ रहे हो मेरी, हमारी मांग होगी और हम एक करके दिखाएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में और गाजीपुर में हम हाईकोर्ट की नई बेंच स्थापित करेंगे ताकि वादकारी को दूर तक ना जाना पड़े। अब आर्थिक असमानता पर आ जाइए। दो योजना हमने सोची है, 2500 करोड़ का हमें कोष स्थापित करेंगे, जो दिव्यांग हैं, जो SC ST कम्युनिटी से हैं और वो अपना काम स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, वे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक फंड होगा जो उनको पैसा देगी ताकि वो अपने पांव पे खड़े हो पाए और लोगों को रोजगार देने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो। 2500 करोड़ का जो कृषि के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, एग्री स्टार्टअप उसे कहते हैं, एग्रीकल्चरल स्टार्टअप, 2500 करोड़ रुपए का कोष हम उनके लिए स्थापित करेंगे ताकि गांव में अगर कोई कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता है, कोई सीड बैंक बनाना चाहता है, कोई ड्रिप इरिगेशन या नई विधि को किसानों तक पहुंचाना चाहता है, कोई नया बीज विकसित करना चाहता है, उसको पैसा राज्य सरकार के उस कोष से दिया जाएगा। तो ये कुछ योजनाएं हैं मैंने आपके बीच रखी है, और मोटा मोटी तो ये मान लो राष्ट्रीय लोकदल किसानों की फौज है। हमारा वर्कर अपनी छाती आगे करेगा आपसे, आप पे कोई आंच ना आए, और जब आपकी सरकार बनेगी जो फौज है आपकी, वो ये सुनिश्चित करेगी कि आपकी पूरी मौज हो, मौज। तो आप सब
बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मुझसे पहले लोगों ने, वक्ताओं ने बात रखी, मुजफ्फरनगर का आदमी उस बात को जानता है, समझता है। आज जो माहौल बन रहा है उसे बनाए रखें, जो एकता हमारे बीच में बन रही है उसे बनाए रखें, हर वर्ग में जाएं। चौधरी चरण सिंह जी की यही पहचान थी कि किसी एक जाति एक धर्म तक सीमित नहीं थे। पूर्वाचल की जमीन पे आप जाएंगे, वहां यादव हो, कुर्मी हो, किसी भी जाति का काश्तकार हो, मजदूर हो, कोई मानता है कि चौधरी चरण सिंह हमारे। जब तक हम ऐसी भावना दोबारा पैदा नहीं करेंगे, आपका यह मंच मजबूत नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे पक्के वाला आशीर्वाद देना चाहते हो, पक्के वाले देना चाह रहे हैं ना, वो तब होगा अगर हम और आप निकल पड़ेंगे। गांव में जाइए, बस्ती में जाइए, घर घर जाइए, समझाइए लोगों को। अब नारा लेते हैं, किसान मजदूर